हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का एक क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें पूछा है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉनी ने कितने टाइम के लिए जिम का लेटर अपने पास रखा था। जिम मतलब उनके हस्बैंड, अपने हस्बैंड का लेटर अपने पास रखा था। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और जो टाइम पीरियड आप बताओगे उस टाइम पीरियड के बारे में आपको कैसे पता चला, वो रीज़न आपको बता रहा है यहाँ पे। सो आंसर कैसे लिखेंगे इसका, कॉनी केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे हमें आंसर करना है कि कॉनी ने अपने हस्बैंड जिम का लेटर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पास रखा हुआ था। ये कैसे हमें समझ में आया, रीज़न क्या देंगे हम इसका, वी अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द फैक्ट दैट शी टोल्ड द नरेटर। क्योंकि कॉनी ने नरेटर को बोला था, क्या बोला था, हाउ शी यूज्ड टू रीड द लेटर एवरी डे, कि कैसे वो ये जिम का जो लेटर है लास्ट लेटर वो डेली उस लेटर को पढ़ती है। एंड कुड फील जिम्स प्रेजेंस अराउंड हर ऑलवेज, और वो पढ़ने से कॉनी को कैसा लगता था कि उसके हस्बैंड मतलब कि जिम उनके आसपास ही कहीं है, मतलब उनका प्रेजेंस वो फील कर पाती थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।